नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और इस रेसिपी को आप 10 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर लंच या डिनर में खिला सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये फूड बनाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों का वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ने लग जाएगा, साथ ही बच्चों को टेस्ट में काफ़ी पसंद आने वाला है। तो फिर चलिए इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी फूड को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच चावल लिए हैं। तो मैंने टुकड़ी वाला चावल लिया है, आप चाहे तो साबुत चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 छोटे चम्मच मूंग की दाल। तो बिना छिलके वाली दाल ली है, ये देखिए। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1 छोटे साइज़ का आलू लिया है, कच्चा आलू लिया है, और इसका छिलका उतार कर वॉश करके इसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले ये जो दाल और चावल है, इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसे वॉश करने के लिए थोड़ा बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे चावल, इसी के साथ अब इसमें हम ऐड कर देंगे दाल, और अब इसमें हम आधे ग्लास के लगभग पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मैश करते हुए वॉश कर लेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस से हम इसे 2 बार वॉश कर लेंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल देंगे। तो दाल और चावल को ये देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी और इसे मेल्ट होने देंगे। तो घी यहाँ पर हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 पिंच के लगभग जीरा, इसे डाल देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच से थोड़ी सी कम हींग, इसे भी डाल देंगे। और हींग जीरे को घी के साथ में मिक्स करते हुए भून लेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और जीरा जैसे ही हल्का सा चटक जाएगा तब इसमें हम ऐड करेंगे आलू, और आलू को मिलाते हुए भून लेंगे 8 से 10 सेकंड के लिए। और आलू जैसे ही हल्का सा भुन जाएगा तब इसमें हम वॉश किया हुआ दाल और चावल भी ऐड कर देंगे, और सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए 8 से 10 सेकंड के लिए मैंने इसे भून लिया है। और अब इस पर हम पानी मिला देंगे, तो 1 गिलास पानी हम कुकर में डाल देंगे। और इसी के साथ अब इसमें हम मिला देंगे 1 पिंच नमक, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो कुकर में लगभग 5 सीटी आ चुकी है, कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसका ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से पक गई हैं। तो बस अब आप चाहे तो इसे चम्मच की या मैशर की हेल्प से हल्का दरदरा सा मैश कर सकते हैं, और अगर इसे ज़्यादा छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसकी प्यूरी भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए सभी सामग्री हल्की ठंडी हो गई है, और अब इसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को इसका स्वाद काफ़ी पसंद आएगा। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ें जार में डाल दी हैं। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसकी एकदम स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये फूड बच्चों को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, और ये बनकर तैयार हो चुका है आपके घर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन फूड, जिसे आप लंच या डिनर में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही आप इसे सप्ताह में 3 से 4 बार बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो अगर आप इस तरह से फूड बदल बदल कर अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चों को ये स्वाद में भी काफ़ी पसंद आएगा और बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों के लिए कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में
एक नई हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।